मैं डॉक्टर सचिन चित्तावा हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले 2022 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नई सोच के साथ यह नया वर्ष चालू होगा, जिससे आपके जीवन में अभूतपूर्व खुशियां आएंगी। हमेशा मैं कहता हूं कि डॉक्टरों को भी मैं ये मानता हूं कि खुशी बांटने वाले लोग होते हैं, तो मैं तो अपना काम ऐसा ही मानता हूं कि मेरे पास आने के बाद अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं आई तो मेरा काम अधूरा रह जाता है। तो इसी खुशी बांटने की श्रृंखला में कहीं ना कहीं ये जो हम फेसबुक लाइव करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आपके मध्य कहीं ना कहीं किसी नई बात को लेकर नई जागृति आए। तो आज हम एक ऐसे ही नए विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय है जीएलपी एनालॉग्स का। आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत टेक्निकल बातें करने लगे, हम तो बिल्कुल आम छोटी बातों के लिए आपको पसंद करते हैं। आप सुनिए इस बात को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि क्या है कि जनता के मध्य अच्छी बातों को लेकर जागृति होनी चाहिए, इसी का मुख्य उद्देश्य है कि आज हमने थोड़ा सा टॉपिक लीक से हटकर लिया है। तो ये जीएलपी एनालॉग्स क्या है? देखिए, प्राकृतिक तौर पर क्या होता है कि जब भी जैसे मैंने भोजन ग्रहण किया, मान लीजिए मैंने एक रोटी खाई, तो जैसे ही ये रोटी मेरे स्टमक से निकलकर अमाशय पे इंटेस्टाइन से पहुंचेगी, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पे जीएलपी, जीआईपी, सीसीके, पीवाईवाई नाम के हार्मोन्स हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ये हार्मोन्स खाने के कारण वहां से उनका रसाव होगा और वो स्राव होने के कारण पैंक्रियास की ग्रंथि पे असर जाएगा और मैसेज जाएगा कि हाँ भाई अब शक्कर बढ़ने वाली है, तो आप इंसुलिन की मात्रा बढ़ाइए। तो ये चमत्कार ईश्वर प्रदत्त है जो कि हमारे शरीर में ऑलरेडी बहुत सालों से, सदियों से है और इसकी जानकारी अब हमें मिल रही है। और क्या करता है ये हार्मोन जाके ब्रेन में सिग्नल देता है कि हाँ भाई अब पेट भर गया है, अब भूख ना लगे, ऐसे सिग्नल्स, ऐसे दिमागी तरंगे उत्सर्जित हों जिससे पेट को लगे कि अब मैं भर गया हूं। और दूसरा, ये स्थानीय स्तर पर स्टमक पे भी असर दिखाता है जिससे स्टमक धीरे धीरे खाली होता है। अगर स्टमक पूरा खाली नहीं होता दोस्तों, तो आपको भी एक सटाइटी माने पेट भरने की भावना आ जाती है और आप भोजन नहीं लेते। तो ये एक अपने आप में एक विशेष प्रणाली है जिसके बारे में सन 90 के आसपास बात होना चालू हुआ और लोगों ने सोचा कि बहुत ऐसे विचार आते हैं, उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, पर व्यवहारिक तौर पर सफल नहीं हो पाते। पर ऐसा नहीं हुआ, इसकी दवा बनी, सबसे पहले इसका इंजेक्शन आया और ये इंजेक्शन जो है फिर नाना प्रकार के, दिन में 2 बार वाला आया, फिर दिन में 1 बार वाला आया, अब हफ्ते में 1 बार भी इंजेक्शन जो लगता है वो भी आ गया। और सबसे बड़ी बात हो गई कि अब इसकी गोली आने लगी है। शीघ्र ही कुछ दिनों में ऐसी गोली मार्केट में आ जाएगी जिसको खाने से यही लाभ होगा जो इंजेक्शन से होता है। और हमारे बीच में आप सभी को मालूम है कि इंजेक्शन को लेके, टीके को लेकर कहीं ना कहीं बहुत डर व्याप्त है। डॉक्टर साहब कुछ भी कर लीजिए, टीका मत लगवाइए। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए ये एक नई गोली आई है। तो मुझे लगा क्यों ना इस गोली के आने से पहले जो माहौल बनेगा उससे हम इसकी एक बार स्पष्ट विवेचना करें। तो इस ग्रुप ऑफ फैमिली की जो दवाई है, इस जीएलपी एनालॉग से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे शुगर नियंत्रित रहता है। कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत से मरीज हैं जो 100 यूनिट, 80 यूनिट, 90 यूनिट इंसुलिन लगाते हैं, गोलियां भी खा रहे हैं, फिर भी शुगर नॉर्मल नहीं रहती। तो ऐसे मरीजों के लिए जब हम ये एक दवा चालू करते हैं तो उनमें चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। हमारे तो ऐसे बहुत से मरीज हैं जो ये दवा 8, 8, 10, 10 साल से ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये नई दवा नहीं है, ये जो खोज है ये भी कोई ऐसी नई खोज नहीं है कि आज कुछ और दिख रहा है, कल समय के रहते हुए ऐसा ना हो जाए कि समय के कालखंडों में कहीं लुप्त हो जाए। अब ये जाने वाली दवा नहीं है, ये अभूतपूर्व फायदा करने वाली दवा है। उसके साथ साथ क्या होता है कि आपके हमारे डायबिटीज में 100 में से 80 मरीज मोटापे के शिकार हैं, तो ये दवा वजन भी कम करती है, 8 किलो, 10 किलो। अभी जो नई दवा आ रही है सीमा ग्लूटाइड, वो लगभग 11 किलो के आसपास वजन कम करती है। 11 किलो वजन कम होने से बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनका डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं
जिनका डायबिटीज नियंत्रित रहने लगता है उनको कम दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको शक्कर कम होने के लक्षण, आपको मालूम है ना, जैसे ही हम डोज बढ़ाते हैं तो कहीं ना कुछ लोगों को ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी ऐसा होने लगता है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम सही तरीके से इस परिवार की दवा का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत बड़े बड़े शोध हैं इसके लिए। क्या होता है कि शोध भी कई बार क्या होता है, नए शोध आते हैं उसके बाद कोई और शोध आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं पुराना वाला शोध सही नहीं था। वैसे शोध नहीं, ये ऐसे शोध हैं जो सालों साल याद रखे जाते हैं और कभी भुला नहीं जाता। तो इस क्षेत्र में भी ऐसे ही शोध हुए, इसमें आया एक लीडर ट्रायल, एक आया सस्टेन सिक्स ट्रायल। उसने अभूतपूर्व रूप से हमारी आंखें खोली कि ये दवा केवल शुगर नॉर्मल नहीं कर रही, वजन केवल कम नहीं कर रही और इसके अलावा शुगर नियंत्रित नहीं कर रही, हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कम हो गया, पर इसके साथ साथ हृदय रोग और हृदय से होने वाली मौतों को भी रोक रही है। तो ये तो एक अभूतपूर्व फायदा है। उसके साथ साथ हमारे डायबिटीज के मरीज में सबसे बड़ा नुकसान है कि समय रस के साथ साथ गुर्दा खराब होने लगता है। इसलिए मेरे पास जब भी मरीज आते हैं टाइप 2 डायबिटीज के, तो उनको 3 जांचें करानी पड़ती हैं, आंखों का पर्दा, गुर्दा और पैरों की नसों। ये तीनों जांचें हम साल में एक बार जरूर करते हैं। कई बार मरीजों को लगता है डॉक्टर साहब जबरदस्ती जांचें करवा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये क्योंकि मैं तो अपने इसी कन्विक्शन से काम करता हूं कि अगर मैंने एक भी जांच लिखी तो आपको कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये जांचें गलत है। और ऐसा सभी सभी डॉक्टरों की इच्छा होती है और नियत भी ऐसी ही होती है, और इसी दृष्टिकोण से आप लोग हमें पहचानते हैं। तो इस दवा को लेकर बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रायल्स आए और अभूतपूर्व रूप से हमारी आंखें खुली और अभूतपूर्व रूप से लोगों को फायदा हो रहा है। पर बात ये थी कि ये महंगी है। हाँ ये सच है, इस परिवार की कोई भी दवा लीजिए, चाहे इंजेक्शन लीजिए, चाहे हफ्ते में एक बार वाला इंजेक्शन लीजिए, चाहे गोली लीजिए, तो लगभग 8 से 10 हजार रुपए महीने का खर्चा पड़ेगा। अब ये नई दवा आ रही है तो मैंने कहा कि नई दवा के बारे में बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक बातें की जाएंगी, पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी नया होता है उसको कुछ साल प्रयोग में आने देना चाहिए फिर अपनाना चाहिए, क्योंकि कई बात ऐसी होती हैं, कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें मालूम नहीं होती। पर एक अच्छी बात है इस दवा के साथ कि पिछले 2 साल से अमेरिका में बहुतायत में प्रयोग की जा रही है, पर फिर भी प्रश्न चिन्ह तो लगते ही हैं। इसलिए अभी आपके पास बहुत अच्छे इंजेक्शंस हैं इस दवा के, और आप अपने डॉक्टर से बोलिए कि आप ये इंजेक्शंस लिखिए और हम इसका लाभ लेना चाहते हैं, हम मोटापा कम करना चाहते हैं और हम अपना शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपना बीपी कंट्रोल करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखना चाहते हैं, और इसके साथ साथ हमें शुगर कम होने के भयावह लक्षण भी नहीं चाहिए और हृदय रोग भी दूर होना चाहिए, गुर्दा भी ठीक होना चाहिए और हमें जीवन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है कि डॉक्टरों के मध्य एक हमेशा इच्छा होती है कि स्मार्ट दवा आनी चाहिए। स्मार्ट दवा का मतलब समझते हैं दर्शकों, मैंने एक दो टॉक्स में बताया था। स्मार्ट दवा का मतलब यह है कि ऐसी दवा जो तभी असर दिखाए जब शक्कर सामान्य से अधिक हो, और जब शक्कर सामान्य से कम हो, जैसे भोजन के बाद की अवस्था होती है ना, मान लीजिए शक्कर चल रहा है 80 70 और तब दवा असर दिखाएगी तो क्या होगा, शुगर लो हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो ये श्रेणी की एक इकलौती दवा है जो कि तभी असर दिखाती है जब शुगर 85 से ऊपर होता है। अगर शुगर 85 से अंदर है तो ये दवा शुगर कम करने वाले अपने फायदे नहीं देती। तो ये तो अभूतपूर्व हो गया, एक दवा तो बहुत जगह फायदा भी कर रही है और स्मार्ट भी है, जो कि हम बहुत समय से चाहते हैं कि हमें ऐसी स्मार्ट दवा मिले। तो आपको अपने इस लक्ष्य को देखिए, कभी अगर शुगर नियंत्रित नहीं हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज है, बहुत परेशान है, मोटापा भी बढ़ रहा है और आपका इंसुलिन का डोज भी बढ़ता जा रहा है, गोलियां भी तो मैक्सिमम हो गई हैं और फिर भी शुगर देखें 250 300, या फिर ऐसी अवस्था जहां शुगर तो ठीक है पर वजन कम नहीं हो रहा, या फिर ऐसी अवस्था जहां पे शुगर के साथ साथ हृदय रोग भी हो गया है और हमें गुर्दे भी खराब होने की आशंका दिख रही है, तब आप अपने डॉक्टर से बोलिए डॉक्टर साहब हम खर्च करने को तैयार हैं, आप ऐसी दवा लिखिए जो इन सभी दृष्टिकोण से हमें लाभ दे और हमारे जीवन में खुशियां लाए। तो आशा है कि आपको ये जीएलपी एनालॉग परिवार की दवाइयां, इसके बारे में जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने आज का ये टॉक किया। नाम दवा के नाम का मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, एक्जेनाटाइड है, लीराग्लूटाइड है, ड्यूलाग्लूटाइड है और सीमाग्लूटाइड,
अभी इसकी गोलियां भी आ रही हैं सीमाग्लुटाइड की, मुश्किल से 2-3 महीने में होगा, पर मैं कहूंगा कि जो टाइम टेस्टेड है, जो लंबी रेस का घोड़ा है, वो आपके विश्वास का है, तो अभी तो वो इंजेक्शन है। गोलियां भी अपन देखेंगे कि किस तरह से लाभ करती हैं। उम्मीद है कि वो लगभग सारे लाभ देगी, और अगर वो दवा हृदय रोग में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, हृदय रोग में फायदा करती है और उतना ही फायदा करती है जितना इंजेक्शन करते हैं, तो फिर तो पाथ ब्रेकिंग होगा, फिर तो ऐसा होगा कि हम सभी उसी को अपनाएंगे। तो थोड़ा संयम रखिए, पर कभी भी आपको अगर शुगर पैमाने में नहीं बनती है, वजन कम करना है, हृदय रोग और मधुमेह के साथ साथ आपको गुर्दा रोग भी रोकना है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बोलिए कि डॉक्टर साहब हमें एक GLP एनालॉग लिखिए, क्योंकि इससे बहुत सारी बातें सिद्ध हो चुकी हैं, तो इसका लाभ हमें भी मिलना चाहिए। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।